Kriti Sanan. Yes, guys, the last episode of my recreation month is dedicated to the beautiful Kriti Sanan. Now, this look is a very smoky green, very poppy look, which you can wear out for any night party, any night function. And I was so excited to create this one. If you do like the video today, please give a big thumbs up. सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइज, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपने सजेशंस, फीडबैक जो मर्जी करे वो नीचे लिख दीजिए. शुरू करें आज का वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड. 1, 2, 3 लेट्स बिगिन. सो आई कैन नॉट स्टार्ट विथ माई स्किन प्रिपरेशन गाइज, सो शुरू करते हैं. अच्छे से बालों को टाई अप कर लीजिए, चाय कॉफ़ी जो भी मर्जी है वो साथ में लेकर बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में. शुरू करते हैं अपने अनलॉक के ग्लो सीरम से. ग्लो ऐड करना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ सीरम हम एक्चुअल में क्यों यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर फाउंडेशन आपके चेहरे पे अच्छी तरह स्टिक कर सकें, बट उसके साथ साथ आपके चेहरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा बेस क्रिएट करें. अब सीरम क्या करता है, वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके फाउंडेशन को स्किन के अंदर नहीं जाने देता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को. इसके बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए. सो द हायरार्की इज़ कि आप एक लाइट से हैवी पर जाएँ. सबसे लाइट होता है सीरम, सीरम के बाद आप आइए अपने मॉइस्चराइज़र पर जो ज़रूरी है फाउंडेशन से पहले, और उसके बाद आप अपने मन चाहे फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. मर्ज़ी आपकी है, आप इस लुक के लिए हाफ कवरेज चाहते हैं, फुल कवरेज चाहते हैं. आई वेंट फॉर अ फुल कवरेज फाउंडेशन क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक है, सो ग्लो स्पार्कल्स सब कुछ होना चाहिए. मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है आपके प्राइमर की. तो मेक योर स्किन योर पोरलेस, प्लीज़ चूज़ अ मैट प्राइमर अगर आपका स्किन ऑयली है, इस बात को याद रखिए. मैंने लिया है बेटर वाइल का मैट प्राइमर एंड दिस डज द वर्क ऑसम गाइज. फाउंडेशन के लिए आई पिक्ड अप माय वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन जो कि फुल कवरेज है, मेबेलिन का 24 आवर्स फुल कवरेज स्टे फाउंडेशन, आई थिंक यही है पूरा नाम. समटाइम्स ये नाम इतने बड़े होते हैं ना कि मैं मिक्सअप कर देती हूँ वर्ड्स को, बट एनीवेज फुल कवरेज फाउंडेशन है. मेन पर्पज़ ये है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद विल गो ऑन विद एडिंग मोर टू इट. जो ब्यूटी ब्लेंडर आप देख रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस, दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए और उसके बाद चाहें तो एक्सेस फाउंडेशन को आप एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से भी हटा सकते हैं. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट द फाउंडेशन ऑन योर नेक एंड योर ईयर्स एज वेल. कंसीलर आई पिक्ड अप माय मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर. इसका जो शेड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी गाइस. कंसीलिंग के लिए मैंने इसको ऑब्वियस अंडर आईज में लिया है, आईलिड्स पर थोड़ा सा फोरहेड पर, बहुत ही मिनिमल यूज़ किया है मैंने आज कंसीलर का क्योंकि फाउंडेशन एनीवेज फुल कवरेज था. जस्ट टू ऐड दैट स्पार्क जो ऑब्वियस एरियाज है मैंने इसको अप्लाई किया है और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से आई विल गो अहेड विद मिक्सिंग इट अप. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डन उसको सेट भी तो करना है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम मेबेलिन. ये लूज पाउडर मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइट वेट है गाइस और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है आपकी स्किन से. तो अच्छे से डस्ट ऑफ कर लीजिए एक बड़े से फ्लफी ब्रश से ताकि जो भी आपका कंसीलर है वो सेट हो जाए. देखिए मेन पर्पज तो आपको पता ही है कि जो कंसीलर है वो आपके क्रीजेज में ना बैठ जाए, वो फाइन लाइन्स ना बन जाए जो भी आपके लाफिंग लाइन्स होते हैं या अंडर आइज के पास जो एरिया होता है, इसलिए हम लूज पाउडर से उसको फिलअप करते हैं. फॉर कॉन्टोर मैंने लिया है क्रीम कॉन्टोर. ये है एले कलर्स का प्रो डेफिनेशन कंसीलर. इसका जो शेड था आई थिंक दैट वॉज टॉफी, मैं चेक कर लूँगी आपके लिए, नीचे मैंशन कर दूँगी.
अगेन बहुत ही इजी ब्लेंडेबल है ये। आप चाहें तो इसको, इस शेड को एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दो शेड लोअर है मेरे एक्चुअल फाउंडेशन कलर से, यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिक्स एंड मैच करना आपकी अपनी मर्जी है। कई बार आप एक डार्क फाउंडेशन को एज अ कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर यूज़ करते हैं, तो जो भी आपके स्किन को सूट करता है एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, किसने रोका है। मेकअप इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट गाइज, जो आपके स्किन को सूट करे वही करना चाहिए। सो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लीजिए उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। मेक श्योर कि ये ब्लेंडेड लगे, कोई भी लाइन्स ना दिखें आपके जॉ लाइन पर या कहीं पर भी, ताकि लगे कि आपने उसको अलग से बनाया है। वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाना चाहिए आपकी स्किन में। नाउ फॉर ब्लश मैंने पिक किया है नायका का 0107 वेलवेट शेड है ये। दिस इज़ देयर लिपस्टिक जो जिसको मैंने ब्लश के तौर पर यूज़ किया है। क्रीम ब्लश का फ़ायदा ये है कि वो आपके बिल्कुल स्किन का लुक देता है, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसे उसी ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि ये ना लगे कि मैंने कुछ ऊपर से लगाया है। जो भी चीज़ आपके स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए गाइज, फाउंडेशन या कोई भी चीज़ लगाने के बाद, योर स्किन शुड लुक लाइक स्किन, पर्पस यही है। आप देखिए मैंने ये भी क्रीम हाईलाइट यूज़ किया है, दिस फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और उसके बाद मैंने अच्छे से अपने फिंगर से इसको ब्लेंड किया है। फिंगर से के वार्म्थ से अच्छी तरह से सब कुछ ब्लेंड हो जाता है गाइज। अगेन नोज ब्रश को मत भूलिएगा, अच्छी तरह से थोड़ा बहुत हाइलाइटर वहाँ पे भी ऐड कर लीजिए अपने लिप्स के टिप्स पर भी और आईब्राउज को भी। कमिंग टू द आई मेकअप गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द आईब्राउज। आईब्राउज के लिए अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स मेबलिन रॉक द न्यूड आई शेडो पैलेट का मैंने ब्लैक शेड चूज़ किया है। ये मेरे आईब्राउज को तो बहुत ही अच्छा बनाता है। आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करे, जिस भी तरह का पाउडर या क्रीम आप वो यूज़ कर सकते हैं। आईज़ को शेप देने के लिए आईब्रोज का परफेक्ट होना ज़रूरी है गाइज। मैंने उसको हाईलाइट भी कर लिया है और फिर अब मैं इसे फिक्स कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के क्लियर मस्कारा से। और अब बारी आती है आई मेकअप की। दिस इज़ द नायका के आई शेडो पैलेट। मैंने यहाँ से एक ग्रीन कलर लिया है अपने बेस के लिए। नाउ कृति हैज़ दिस ब्यूटीफुल एमरल्ड कलर आईज गाइज, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही शिमरी ग्रीन आईज थे उनके, तो मैंने इसको एज अ बेस अपने पूरे आईलिट्स पर एक टेपर ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई कर लिया है। द ब्रश इज अगेन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, अच्छा ब्रश। अगर आप कुछ भी फ्लैट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं अपने आईलिट्स पर, इसको अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद इसको मैं टॉप अप करूँगी एक दूसरे ग्रीन कलर से। उसके पहले नीचे के वॉच लाइन को भी थोड़ा सा ग्रीन पॉपअप दे दीजिए, क्योंकि वो आईज कम्प्लीट हमें करनी ही है। शिमर हम यहाँ बीच में ऐड करेंगे, क्योंकि जो उनके आईज़ थे वो थोड़े शिमरी भी थे। उसके बाद मैंने अपने आईलिड्स पर अप्लाई किया है ये लॉरियल का इनफॉलिबल, अगेन एक ग्रीन शेड में है ये कलर। मैंने इस आई पेंसिल से पूरे आईज़ को कवर कर लिया है एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। और अब चलते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट्स ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर स्टूडियो। यहाँ से ये डार्क ग्रीन कलर लेके मैंने इस आई पेंसिल जो मैंने कलर अप्लाई किया था, इसको मैंने सील किया है। कोशिश यही है कि आप जितना ग्रीन इसे बना सके, तो दो तीन कलर्स को मैंने कंबाइन किया है यहाँ पर इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। पर सारे आई शेडोज को ब्लेंड आउट करना ना भूलें गाइज। प्लीज़ मेक श्योर आप एक बड़ा ब्लेंड प्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले करके अच्छे से सारे आई शेडोज को ब्लेंड आउट कर लें। बारी आती है काजल की। सो दिस इज़ द मेबलिन कलोसल काजल। अच्छे से टाइट लाइन कर लें अपने वाटर लाइन को। बहुत थिक काजल हमें अप्लाई नहीं करना है। आप उनके आईज अगर देखेंगे ध्यान से, तो ब्लैक बीच में ज़्यादा था, सो साइड से मैंने कम अप्लाई किया है और बीच में थोड़ा सा इंटेंसिफाई किया है। एंड येस, दिस इज़ हाउ आई अप्लाई काजल ऑन माई अपर लिड्स। मेरे को आज ही बहुत मुश्किल आती है, बट एनीवेज, मस्कारा इज़ फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स बैड गर्ल बैंग, अगेन एन अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट आई हैव इन माई किटी। जब भी आप इसको अप्लाई करें गाइज, फॉल्सीज आप स्किप कर सकते हैं। येस, इट इज़ दैट गुड।
लिप्स बहुत ही म्यूटेड थे उनके, सो आई वेंट फॉर दिस वेरी न्यूड शेड फ्रॉम शुगर। तो मैंने इसे अप्लाई करने के बाद एक टिश्यू पेपर से एक्सेस डैब ऑफ कर लिया था, क्योंकि बिल्कुल ही न्यूड शेड नहीं था मेरे पास, दिस वॉज दी ओनली वन आई हैड, सो मैंने इसको डैब ऑफ करना ही बेहतर समझा। उसके बाद मैंने पिक किया है नायका केक के पैलेट से ये शिमरी ग्रीन शेड अपने आई शैडोज को टॉप अप करने के लिए। उनके आईज़ में बहुत ही शिमर था जो उनके आईलिड्स थे, इसलिए मैंने इसको उसी ब्रश से पिक करके अच्छे से डैबिंग मोशन में पूरे आईलिड्स पर अप्लाई किया है, ताकि वो स्मोक्ड आउट इफेक्ट भी रहे और वो शिमर शाइन भी आए। टाइम टू फिक्स अप गाइस, ब्लू हेवन के मेकअप फिक्सर स्प्रे से अच्छे से सील कर दीजिए अपने मेकअप को, ताकि कुछ भी कहीं भी ना जाए। तो शी हैड हर हेयर टाइड बैक वेरी नीटली, तो अच्छे से ब्रश करके अपने बालों को मैंने एक हल्का सा लाइट बन बनाया है मिडल पार्टिंग करके, और उसके बाद मैंने मैट्रिक्स के फ्रिज फ्री सीरम से अच्छे से अपने जो भी फ्रिजी हेयर है उनको सेटल कर लिया, और एक लूज सा बन टाई किया है अपने बैक में। एंड येस, दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, बहुत ही शिमरी, बहुत ही स्पार्कलिंग। दिस मेकअप इज़ समथिंग जो आप एक डिस्क में भी पहन सकते हैं, नाइट आउट पार्टीज में भी पहन सकते हैं, किसी भी फंक्शन में आप पहन सकते हो। बहुत ही स्मोकी एमरल्ड ग्रीन आईज़ नीचे ग्रीन टॉप के साथ पैरअप कर लीजिए, एंड म्यूटेड लिप्स ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब भी आपके आईज़ हाइलाइटेड होते हैं आपके लिप्स म्यूटेड होने चाहिए। ईयरिंग्स पुट ऑन कर लीजिए, और मैंने इसे ग्रीन नेल पॉलिश के साथ भी पैरअप किया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आ गया तो बड़ा थम्स अप दीजिए ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, अपना ख्याल रखिए, बाय।